हेलो बच्चों पार्टी कैसे आप सब होपफुली बहुत अच्छे होंगे तो मैं कपिल काद्यं तो इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपनी वन शॉट वीडियो के रूप में तो वीडियो को अंत तक जुड़ देखते रहिए और जो भी बच्चा पार्टी मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है अब न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रेंट्स होते हैं अब न्यूट्रेंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आटोट्रोपिक्स हैड्रोट्रोपिक्स उसके बाद बात करेंगे फोटोसेंथसिस प्रोसेस क्या है तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट तो देखते रहिए वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन क्लास सिक्स यू हैव टू लर्न दैट ए फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपने क्या पढ़ा था बच्चों क्लास सिक्स के अंदर कि जो फूड होता है वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑर्गेनिजम्स मीन्स लाइक इज ए जीव जंतु के लिए कि यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन मिनरल्स एंड द कंपोनेंट ऑफ ए फूड जो भी हमारा फूड होता है बेसिकली उसके अंदर क्या क्या प्रजेंट करता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स होते हैं फैट्स होती है विटामिनस होते हैं और मिनरल्स होते हैं ठीक है ना ये उसके कंपोनेंट हैं फूड्स के कि दीज कंपोनेंट ऑफ ए फूड इज़ कॉल्ड इज ए न्यूट्रेंट्स उसको क्या बोलेंगे न्यूट्रेंट्स बोलेंगे जो कंपोनेंट फूड के हैं उन्हीं कंपोनेंट को क्या बोलना है बच्चों न्यूट्रेंट्स बोलना है एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड कि कोई भी जीवित जीव जंतु है तो उसको फूड बहुत ही असेंशियल है उसके लिए प्लांट कैन मेक फूड फॉर दैम जो प्लांट होते हैं बेसिकली अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं और ये किसके माध्यम से करते हैं फोटोसेंथिसिस प्रोसेस के माध्यम से बट एनिमल एनिमल हो गए इसके अंदर ह्यूमन बींग्स हो गए बच्चों ये कैसे करेंगे भाई ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ठीक है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब ये अपना फूड अपने आप रेडी नहीं करते सो दे गैट इट फॉर्म ए प्लांट्स और एनिमल दैट इट प्लांट्स अब देखो इस केस में क्या बताया देखो बच्चों क्या है बेसिकली आप ऑलरेडी खाते हैं प्लांट्स को ही खाते हैं कोई भी आप फ्रूट्स ले लीजिए वो सब क्या है प्लांट्स ही आता है और जो एनिमल्स है बेसिकली वो ग्रास खाता है तो ग्रास भी कहाँ से आता है प्लांट्स से कि दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्लांट्स तो जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर तो कलियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपके अब आप देखो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन प्लांट कि भाई मोड ऑफ न्यूट्रीशन क्या होते हैं प्लांट्स के बेसिकली बात करने वाले हैं दो चीज़ इसके अंदर हैं ऑटो और हैट्रो ऑटोमीन्स होता है जो सेल्फ जो अपने आप रेडी करते हैं और हैट्रोमींस जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो देखिए कि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन देयर प्रपेयर फूड फॉर दैम सेल्फ बाई यूजिंग ए वाटर अब जो भी प्लांट्स है बच्चों आपके घर पे प्लांट्स होंगे ऑलरेडी आपके आसपास होंगे तो आप देखते हैं दो प्लांट जो फूड बनाते हैं तो उनको क्या चाहिए वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से और इसका फार्मूला क्या रहेगा सी ओ टू एंड मिनरल्स मिनरल्स कहाँ से लेते हैं ये रूट्स के माध्यम से कि द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग अब ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रेजेंट करता है प्लांट्स के आस पास एंड द न्यूट्रेंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी अब जो न्यूट्रेंट्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ट अप करते हैं बिल्ड करेंगे ग्रो करेंगे उसकी एंड उसके अंदर जो भी कोई सेल डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करते हैं ठीक है एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस और एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए जीवित रह सके अब उसके बाद देखो बच्चों न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ ए टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन कि न्यूट्रिशन क्या एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से फूड इनटेक होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एंड इट्स यूटिलाइजेशन और वो उसको यूज़ करता है किसके लिए यूज़ करता है भाई अपनी बॉडी के लिए ताकि उसकी बॉडी क्या कर सके जीवित रह सके ग्रोथ कर सके अब द मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैम सेल्फ फ्रॉम दिस सिंपल सब्सटांस तो देखो इस केस में क्या बताया गया कि ये मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन कि इन विच इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है मेक फूड दैम सेल्फ जो फूड है वो बनाएगा ठीक है फॉर्म ए सिंपल सब्सटेंस किसी भी सिंपल सब्सटेंस से तो देखो इसमें सिंपल सी बात बता दी कि वो ऑर्गेनिज्म जो फूड अपने आप बनाता है दैम सेल्फ अपने आप प्रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं आटो अब यहां पर बच्चों ये चीज देखो ऑटो मीन्स क्या होगा सेल्फ जो अपने आप प्रिपेयर करेंगे ट्रोप्स मीन्स क्या होगा न्यूरिसमेंट जो फूड है अब ये क्या हो गया न्यूट्रिशन अब देयरफॉर इसका मतलब हो गया न्यूट्रिशन न्यूरिसमेंट को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन अब उस केस में देयर फॉर प्लांट इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रॉप्स इसलिए प्लांट को क्या बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन ए फूड परपेयर बाय ए प्लांट कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड परपेयर बाय प्लांट तो ये किसके माध्यम से परपेयर करते हैं प्लांट्स के माध्यम से सो दिस इज़ कॉल्ड इज ए उसको हम क्या बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स हेटरो हैट्रोमीन्स जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे हम हैं Beings किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है डिपेंड किसके ऊपर होती है प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स के ऊपर तो ये हम किस में आ गए हैट्रोट्रॉप्स के अंदर आ गए, तो ये भी आपको पता लग गया heterotrops क्या है क्या होते हैं तो साथ साथ इसको आप सभी स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से बेटा रीड करते रहना है कि नाउ कि वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट आर लोकेटेड तो देखो इसमें क्या पूछा गया कि भाई कि वेयर इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ़ द प्लांट आर लोकेटेड कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड है वैदर द फूड इज़ मेड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ओनली इन ए सर्टेन पार्ट हाउ डू द प्लाट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल अब कैसे देखो ये क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों अब ये क्वेश्चन आपने देखने हैं देखो क्या बताया है? इसके अंदर जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड है बेसिकली वाइल्ड एरिया के अंदर होती है बच्चों उनके लिए स्पेशल उनके एक बने हुए बाग्स होते हैं जिसको बाग कहते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं एंड उसके बाद हाउ डू द प्लाट्स ऑप्टेन ये रो मटीरियल तो कैसे ऑप्टेन करती है बच्चों जै अभी मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर हो गया मिनरल्स हो गया फ्रॉम दी सराउंडिंग एटमोसफेयर से एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ दी प्लांट अब ये कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं अब देखो कोई भी फ्रूट्स है बेसिकली किसी भी उसके अंदर वो जहाँ प्लांट्स होते हैं बेसिकली वहाँ से उनको लेके के बच्चों कहाँ लेके जाया जाता है फूड फैक्ट्रीज़ के अंदर वहाँ से उनको प्रपेयर किया जाता है प्रपेयर कैसे मीन्स लाइक इसे पैकिंग की जाती है और यदि उसका कोई भी जैसे सोर्स बनानी हो वट एवर कुछ भी बनाना हो केमिकल्स बनाना हो तो वहाँ से उसको प्रपेयर भी किया जाता है उसके बाद बच्चों फोटोसेंथिसिस प्रोसेस क्या होता है इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि फोटोसेंथिसिस द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ए प्लांट्स आप देखो जो भी प्लांट्स है वो अपना फूड अपने आप प्रपेयर करते हैं कि लीव्स आर ए फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट कि इसके अंदर बेसिकली क्या है देखो जो लीव्स होते हैं किसी भी प्लांट के वो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की क्योंकि वही क्या करते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ अब जितना भी रॉ मटेरियल है बेसिकली वो किसके माध्यम से पहुंचता है बच्चों लीफ के माध्यम से कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड कार्बन डाईआक्साइड फ्रॉम द एयर आर्टिकल देखो सिंपल सी बात है कि जो वाटर है बच्चों मिनरल्स है ये कहाँ प्रजेंट करता है हमारी मिट्टी के अंदर अब वहाँ से जो भी पौधों की जड़ें होती हैं वो फूड किस को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं वाटर को मिनरल्स को और ट्रांसपोर्ट कर देती है कहाँ पर जो उसका टॉप पार्ट होता है प्लांट का ऊपर की तरफ लीव्स की तरफ अब लीवस क्या करते हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन इट क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट आपके सो थ्रो दैप टीनी पोर्स प्रजेंट इन दी सरफेस ऑफ लीव्स अब बेटा क्या होता है देखिए कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स पोर्स मींस होता है छीदर छोटे छोटे होल्स होते हैं प्रजेंट इन दी सरफेस ऑफ ए लीवस द पोर्स इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल वो किसके आसपास होते हैं गार्ड सेल के सराउंडेड होते हैं सच पोर्स इज कॉल्ड इज ए स्टोमाटा उसको क्या बोलोगे स्टोमाटा स्टोमाटा बेसिकली कहाँ होता है ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर प्रजेंट करता है अब इस केस में देखो कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessel which run like is a pipe throughout of the roots the stem and the branches and the leaves they forms a continuous path or a passage for the nutrients to reach the leaf अब देखो इसमें क्या बताया गया बच्चों कि जो वाटर और मिनरल्स होगा वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लीव्स की तरफ ठीक है ना किसके माध्यम से वेसल्स के माध्यम से और वेसल क्या होती है लाइक इज एक पाइप की तरह होती है अब वो पाइप क्या करती है रूट से लेती हुई स्टैम स्टैम मतलब जो उसका पार्ट होता है तना पार्ट जिसको बोलते हैं और उसकी ब्रांचेज से होते हुए लीव्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है कि दे फॉर्म एक कॉन्टिन्यूज पाथ एंड पैसेज फॉर द न्यूट्रेंट टू रीच ऑफ द लीव अब इसमें ये कॉन्टीन्यूस पाथ चलता रहता है बच्चों ताकि वो क्या करता रहे उसको न्यूट्रिय प्रोवाइड करते रहे किसको स्टेम्स को और लीव्स को ठीक है ना कि दे आर कॉल्ड इज ए वैसल उसको क्या बोलते हैं वैसल्स कहते हैं कि यू विल लर्न मोर अबाउट इन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन प्लांट अब ये बेसिकली हम पढ़ेंगे कहाँ पर चैप्टर इलेवन के अंदर अब उस केस में देखो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर येलो कॉलम दे रखा है भाई तो इसको हमने पढ़ना है कि बेटा सेल क्या होते हैं जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होते हैं ठीक है ना स्मॉलेस्ट होते हैं बिल्कुल टीनी होते हैं अब इसके अंदर बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है जो इसका बीच वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूक्लियस ये जो आपको दिखाई दे रहा है अब जो यहाँ पर ये डोटेड लाइन्स में आपको दिखाई दे रहा है ये डोटेड चिधर दिखाई दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड इज ए साइटो और जो इसका आउटर कवरिंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया अब देखो सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ए ब्रिक्स की जो बिल्डिंग्स है बेसिकली वो किसकी बनती है ब्रिक्स की बनती है सिमिलरली द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ए टीनी यूनिट्स जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है बेसिकली वो किसी की बनती है बच्चों छोटे छोटे टीनी यूनिट्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं कि सेल्स कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप इसके माध्यम से देखते हैं माइक्रोस्कोप के सम ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल कुछ ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ ए सेल से बने होते हैं द सेल इज़ इन बाय ए टी अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों थिन आउटर बाउंड्रीज होती है जो सेल की बाहर की बाउंड्री होगी उसको क्या बोलोगे सेल मेम्ब्रेन मोस्ट ऑफ दी सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर अब उसके अंदर बच्चों क्या होता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में उसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियस द न्यूक्लियस इज राउंडेड बाय न्यूक्लियस के जो चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म तो क्लियर हो गया ये सेल वाला कॉन्सेप्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था अब बच्चों हम बात कर रहे थे फोटोसेंथिसिस प्रोसेस की कि द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स होते हैं हमारे ठीक है ना आप बेसिकली प्लांट्स के वो क्या होते हैं बच्चों उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट छोटे 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 छिद्र से होते हैं उसको क्लोरोफिल कहते हैं इट हेल्प क्लोरोफिल क्या करती है बच्चों हिट हेल्प ए लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ ए सनलाइट ये बेसिकली क्या करती है जो भी सनलाइट की लाइट्स आती है उसको कैप्चर करने का कार्य करती है एंड दिस एनर्जी इज़ यूज टू सेंथिसाइज़ ये एनर्जी यूज़ की जाती है कि इसके लिए सेंथिसाइज मतलब फ़ूड को प्रपेयर करने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में ठीक है ना सिंस द सेंथेसाइज ऑफ ए फूड अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट तो बेसिकली तो क्या होता है बच्चों इसके अंदर जो सेंथेसाइज होगा फूड वो अक्कर होगा किसकी प्रेजेंस में होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो ठीक है ना क्योंकि ये ड्यूरिंग द क्या होता है सनलाइट लाइट कम निकलती है बच्चों ड्यूरिंग द डे टाइम तो नाइट टाइम में ये प्रोसेस नहीं होता तो इस क्वालिजी इसको हम क्या बोलेंगे फोटो सेंथेसिस प्रोसेस फोटो मीन्स क्या होता है लाइट सेंथेसाइज मीन्स टू परपेयर प्रपेयर किसको करना बच्चों फूड को प्रपेयर करना कि सो so,

दस सन इज यूटिलाइज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो सन है बच्चों वो क्या करता है यूटिलाइज करता है या अल्टीमेट करता है कि इसको सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो देखो सबसे बड़ी बात आ गई कि जो सन है एक अल्टीमेट सोर्स है बच्चों किसका एनर्जी का कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैन यू इमेजिन अब देखो बच्चों इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है भाई यहाँ पर इसको बड़े ध्यान से देखना रहे हैं आप सबने कि कैन यू इमेजन लाइफ ऑन अर्थ इज़ दबसेंस ऑफ फोटोसेंथिसिस यदि बच्चों हमारी अर्थ के ऊपर आप स्पोज करो या इमेजिन करो कि यदि फोटोसेंथिसिस प्रोसेस नहीं होगा तो क्या लाइफ जीवित रहेगी नहीं रहेगी अब इस केस में वही है क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे सिंपल सी बात है कि इन द एबसेंस ऑफ ए फोटोसेंथिसिस देयर वुड नॉट बी एनी फोड द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अब यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे और प्लांट्स नहीं होंगे तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो बिसाइड द ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल जो ऑक्सीजन है बेसिकली बच्चों वो क्या है एक बहुत ही आवश्यक है किसके लिए सभी ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए तो क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए अब देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम सोइल इन द फोटोसेंथिस ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बड़ा सुंदर सा डायग्राम है एन बुक का है ये अब इस केस में देखो ये आपका प्लांट है बच्चों यहाँ पर रूट्स हैं ये सारी अब रूट्स किसके साथ मिली हुई हैं ये सोयल के माध्यम से अब ये वाटर क्या लेती है कहाँ से लेती है मिनरल्स ये हमारी मिट्टी के माध्यम से अब जैसे ही ये यह यहाँ से लेंगी तो ट्रांसफर कर देंगी पूरे प्लांट्स के अंदर अब ये जो क्लोरोफिल है बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट करता है लीव्स के अंदर अब जो सन लाइट है हमारी वो क्या करती है बच्चों देखो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो रो मटेरियल लेते हैं किसको कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को सनलाइट को और ऑक्सीजन को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं हमारे लिए ताकि हम सभी ऑर्गेनिजम्स जीवित रह सकें अब इस केस में देखो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसेंथिस इन दबसेंस ऑफ ए फोटोसेंथिसिस द लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ यदि ये फोटोसेंथिसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ क्या होगी बच्चों वहाँ पर इम्पॉसिबल होगी अर्थ के ऊपर कि ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस द क्लोरोफिल कंटेनिंग ए सेल ऑफ लीव्स अब जो फोटोसेंथिसिस प्रोसेस होता है बेसिकली उस केस में क्या होता है बच्चों जो क्लोरोफिल है वो कंटेन करता है किसको सेल ऑफ द लीव्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट यूज ए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सेंथिसाइज ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन अब ये देखो इक्वेशन दे रखी है बच्चों बड़े ध्यान से देखना आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मैंने राइट डाउन कर दिया सी ओ टू वाटर का फार्मूला होता है एच टू ओ जब ये किसकी प्रेजेंस में होगी सनलाइट और क्लोरोफिल की तो किसकी फॉर्मेशन देगी बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन तो ये क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छी इक्वेशन थी ये अब इस केस में देखो भाई सेक्शन ऑफ लीफ अब ये लीफ का पार्ट है ये बेसिकली आपका लीफ है अब लीफ के अंदर ये जो आपको लाइनिंग सी दिखाई दे रही है दिस इज कॉलिज ए स्टोमाटा इसको हम क्या बोलते हैं स्टोमाटा अब स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट करेगा बच्चों अब उससे स्टोमाटा के बाहर क्या होता है गार्ड सेल होता है गार्ड सेल ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला गार्ड सेल है अब गार्ड सेल क्या करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमाटा स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करता है ताकि वो अपना फूड बना सके अब ये गार्ड सेल तो बाहर हो गया दिस इज कॉल्ड इज ए बीन लाइक स्ट्रक्चर और जो स्टोमाटा है इसके अंदर बच्चों वो क्या हो गया इसका जो सेंटर पॉइंट हो गया अब इस केस में देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है सेक्शन ऑफ लीफ का भी तो इसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट कर रही है जो डोटेट्स में लाइन में है उसके बाद स्टोमाटा और ये गार्ड सेल हो गया गार्ड सेल क्या होगा एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होगी स्टोमाटा उसके अंदर गार्ड सेल के अंदर प्रजेंट करेगा तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए अब देखो बच्चों इसके अंदर ऊपर एक येलो कॉलम दे रखा है तो साथ साथ में ये भी बताना जरूरी है ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लीरिफाई हो जाए कि बिसाइड लीव्स द फोटोसेंथिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट ये बेसिकली किस में होता है बच्चों अदर ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है अब इस किस में क्या होगा देखो टेक प्लेस इन दी अदर ग्रीन पार्ट ऑफ दी प्लांट्स इन ए ग्रीन स्टेम बेसिकली जो स्टैम होती है जो तना होता है एंड ग्रीन ब्रांचेज होती है जो टहनियाँ होती हैं द डेजर्ट प्लांट हैव ए स्कैल और स्पाइन लाइक लीव्स उसके क्या से होते हैं बच्चों एक उसके स्केल होते हैं स्केल जिसको बेसिकली जो हमारे ड्राई प्लांट्स होते हैं जिसको डेजर्ट बेसिकली और स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपीरेशन अब जो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा लीव्स के माध्यम से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रांसपीरेशन कि दीज प्लांट ऑफ ए ग्रीन स्टैम विच कैरी आउट ऑफ ए फोटोसेंथिस वो कैरी कर लेती है किसको भाई फोटोसेंथिसिस प्रोसेस को अब चलते हैं बच्चों आगे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज अब ये अभी हमने प्रोसेस किया था इस प्रोसेस में क्या हुआ ऑक्सीजन रिलीज हुई कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ फूड बना लिया किसने प्लांट्स ने अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ ए स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट देंस ऑफ ए फोटोसेंथिसिस तो ये किसको इंडिकेट करता है फोटोसेंथिसिस को स्टार्च इज आल्सो इसको हम क्या बोल देंगे भाई स्टार्च इज आल्सो एक कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च क्या होती है एक बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होती है अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है तो साथ में एक्टिविटी भी करना जरूरी है क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं सर एक्टिविटीज भी कराया करो तो एक्टिविटी देख लेते हैं बच्चों पहली है हमारी फर्स्ट कि टेक टू पोर्टेड प्लांट इन द सेम काइंड कीप वन ऑन ए डार्क अब आपने क्या किया दो पोर्टेड प्लांट ले लिए एक को डार्क में रखा ऑन ए ब्लैक बॉक्स फॉर सेवेंटी टू आवर्स के लिए एंड अदर इन ए लाइट अब देखो सिंपल सी बात है यार एक को आपने कहाँ रखा अंदर रखा क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली तो सनलाइट नहीं मिली तो बच्चों क्या करेगा वो खुद की जो उसकी कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च है उसको ही खाना स्टार्ट कर देगा और जो उसका रंग होगा जो उसका कलर होगा लीव्स का वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या बताया था अभी परफॉर्म आइडेन टेस्ट विद ए लीव्स ऑन दी बोथ प्लांट यू आल्सो डिड इन दी क्लास सिक्स रिकॉर्ड योर रिजल्ट एंड नाउ द लीव्स ऑन द पोर्ट विच वॉज अर्लियर कैप इन ए डार्क and the sunlight for a three and four days and perform the iodine test again in its leaf record अब देखो सिंपल सी बात है यार आपने दो पोर्ट्रेड प्लांट लिए एक को अंदर रखा एक को बाहर रखा अब उससे क्या किया आपने आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं किसका वही लीव्स का क्योंकि उसके ऊपर कुछ क्या करते हैं सबसे पहले उसको वॉसअप करते हैं अच्छी तरह से पानी के साथ उसके बावजूद बॉईल करते हैं वाटर के साथ एंड आफ्टर दैट उस पर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स लगाते हैं तो ड्रॉप लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन आपने गेटअप करनी है कि द लीव्स ऑफ अदर दैन ग्रीन ऑल्सो इज ए क्लोरोफील

पिगमेंट जो मास्क होंगे उनके ग्रीन कलर के होंगे और फोटोसेंथिसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो तो उस केस में फोटोसेंथिसिस भी टेक प्लेस होता है तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लीव्स ऑफ द वेरियस कलर अलग अलग टाइप के लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि यू ऑफ्टन सी स्लेमी एंड ग्रीन पैचेज इन दी पाउंड और ए सेगनेट्स वाटर बॉडीज एंड दीज आर जर्नरली फोन्ड बाई द ग्रोथ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज ए आप देखो भाई आपके घर पर ऑटोमेटिकली पानी होता है बच्चों आप पानी को कुछ समय के लिए रखो तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एलगी कहते हैं ठीक है ना आप कैन यू गैस वाई एलगी आर ए ग्रीन इन कलर कि जो एलगी होती है वो ग्रीन कलर की होती है क्यों होती है कि दे कंटेन ए क्लोरोफिल तो उसमें क्या कंटेन करते हैं बच्चों क्लोरोफिल कि विच गए गिव्स दैम द ग्रीन कलर अब उसमें ग्रीन कलर होंगे एंड एलगी प्रपेयर इज देयर ऑन फूड तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलगी है वो भी अपना फूड अपने आप ही प्रपेयर करेगी उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेन्थिसाइज ऑफ ए प्लांट फूड अदर देन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट अब इस किस में क्या देखो प्लांट जो फूड है किसको छोड़कर अदर देन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यू हैव जस्ट लर्न दैट ए प्लांट सेंथिसाइज ए कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ए फोडोसेंथिस अब द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ ए जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों कैसे बनता है यार अभी बताया था जस्ट ओनली फोटोसेंथिसिस प्रोसेस के अंदर तो कैसे बना था बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट इज मेड ऑफ ए कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है कि दे या दीज आर यूज टू देंथिसाइज ऑफ अदर कॉम्पोनेंट ऑफ ए फूड सच है जिसमें क्या होते हैं बच्चों प्रोटीन्स फैट्स ठीक है ना अब बट प्रोटीन्स आर ए नाइट्रोजनियस सब्सटेंस जो प्रोटीन्स होता है बच्चों वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है विच कंटेन उसमें क्या कंटेन करता है वो नाइट्रोजन को कंटेन करेगा फ्रॉम वेयर डू द्लांट ऑफटेन ए नाइट्रोजन जो प्लांट है बेसिकली वो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे भाई अब नाइट्रोजन तो हमारे एटमोस्फेयर में भी है सेवेंटी एट परसेंट और नाइट्रोजन कहाँ होती है बच्चों लेग्यनेस प्लांट जो दालों वाले पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रजेंट करती है कि रिकॉल द नाइट्रोजन आर प्रजेंट इन अबंडेंस ऑफ इन ए गैसेज फ्रॉम इन द एयर अब बेसिकली मैंने बताया हमारे एटमोसफेयर में सेवेंटी एट परसेंट है हाउ द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब ए नाइट्रोजन इन दी फॉर्म बट ये जो नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में होती है इनको वो एबजॉर्ब नहीं करते कौन नहीं करते है? जो प्लांट्स होते हैं कि सॉयल इज़ ए सर्टेन बैक्टीरिया जो मिट्टी होती है बच्चों उसके अंदर सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं दे कन्वर्ट ए गैसेज ऑफ ए नाइट्रोजन इन टू द यूजेबल फॉर्म ऑफ एंड रिलीज इन इन टू दॉयल अब उसके लिए वो क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं और रिलीज करने से वही जो नाइट्रोजन है किसके माध्यम से रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन बच्चों प्लांट्स कि दिज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर किसके साथ पानी के साथ मिलकर आल्सो यू माइट हैव सीन ए फार्मर एडिंग ए फर्टिलाइजर जैसा कि आप देखते हो ऑलरेडी जो फार्मर हैं बच्चों वो ऐड करते हैं किसको फर्टिलाइजर को कि रिच इन नाइट्रोजन क्यों भाई क्योंकि जो नाइट्रोजन है बेसिकली ये क्या करती है ग्रोथ करती है प्लांट्स की एंड इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन अलोंग विद दी अदर कॉन्सिचुएंट कॉन्सिचुएंट का मतलब बच्चों और कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर जो फर्टिलाइजर होते हैं कि प्लांट कैन देन सेंथिसाइज ऑफ ए प्रोटीन्स एंड विटामिन तो सिंपल सी बात है जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे बच्चों इसके इसके अंदर सेंथिसाइज करेंगे किसको भाई प्रोटीन्स को एंड विटामिन को उसके बाद बात करेंगे बच्चों अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब कौन सा है नेक्स्ट हमारा हाइड्रोट्रॉपिक्स कि दीज आर ए सम प्लांट विच डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल इसके अंदर क्या होगी बच्चों क्लोरोफिल नहीं होगी सो दे कंटेन सेंथिसाइज फूड हाउ डू सर्वाइव एंड फॉर्म देयर ड्राई टू न्यूट्रिशन तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे तो ये डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर डिपेंड होंगे भाई ये आटों के ऊपर ठीक है ना डायरेक्टली वे से और इनडायरेक्टली वे से कि लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच इज ए प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट अब इस केस में इस इज कॉलेज ए हाट्रोट्रॉपिक इसको आप क्या बोलोगे बच्चों हाइट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा 1.5 आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर उसमें है हमारा नेक्स्ट पेज पे अब इस केस में देखो यू कैन येलो वायरी ब्रांचिज स्ट्रक्चर ट्वीन अराउंड इन दी स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री दिस इज़ प्लांट इज कॉल्ड इज ए कस्कूटा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों कस्कूटा बोलते हैं तो बेसिकली ये किसी प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती है बच्चों एक बेल के रूप में होती है कस्कूटा या इसको हम अमर बेल भी कह देते हैं ठीक है कि इट डज़ नोट हैव ए क्लोरोफिल इसके इसमें क्लोरोफिल नहीं होता एंड इट टेक्स ए रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट तो ये अपना फूड जिस प्लांट के ऊपर ये होस्ट होती है जिस प्लांट के ऊपर ये चिपकी होती है ये क्लिम्बिंग होती है तो उसी प्लांट से अपने फूड को प्रपेयर करती है कि द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्ब्स इज कॉल्ड इज ए होस्ट उसको क्या बोलोगे होस्ट बोलोगे सेंस इट डिस्क्राइब द होस्ट ऑफ ए वैल्यूएबल न्यूट्रेंट्स तो ये क्या होंगे इसके बच्चों उसके वैल्यूएबल न्यूट्रेंट्स होंगे तो जैसे देखो भाई सिंपल सा बिल्कुल कितना सुंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर फिगर ये कस्कूटा है किसी प्लांट के ऊपर जो ये येलो टाइप में जो होस्ट है ठीक है ना अमर बिल जिसे कहते हैं कस्कोटा कहते हैं ये चिपकी हुई है हो ही पड़ी है तो ये कौन सा प्रोसेस बन गया कस्कोटा वाला ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर प्लांट कि कस्कोटा इज कॉल्ड एज ए पैरासाइट इसको क्या बोलोगे आप पैरासाइट एज एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ ए पैरसाइट और भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के अंदर भी कि यू शूड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद योर टीचर तो आपने सोचना है बच्चों कौन से हो सकते हैं ऐसे जो पैरसाइट के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एनिमल्स के रूप में जैसे भाई लीच होती है ठीक है ना वो 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 काफ़ी चिपकी होती है एक दूसरे के ऊपर जैसे एनिमल्स के ऊपर आगे थोड़ा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऑलरेडी मैं बताऊँगा आपको कि यू हैव सीन एंड हेयरड ए प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स एंड दे आर ए फ्यू प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट आप ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों जो किसको ट्रैप कर लेते हैं किसको पकड़ लेते हैं इंसेक्ट को एंड डाइजेस्ट तेम और उसको खा लेते हैं इट इट इज़ नॉट अमेजिंग सच प्लांट मे बी ग्रीन एंड सम इज अदर इज कलर कुछ प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों ग्रीन कलर के होंगे कुछ अदर कलर्स के होंगे कि लुक इन दी प्लांट फिगर 1.6 तो हम इसको देखेंगे कहाँ पर भाई फिगर 1.6 अब 1.6 बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है पीचर प्लांट कहते हैं इनको ठीक है ना अब लीड एंड पीचर अब इस केस में ये ट्रैप कर लेते हैं कि इसको ट्रैप कर लेते हैं भाई इंसेक्ट को और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अब इस केस में देखो कि द पीचर लाइक इज ए जग लाइक स्ट्रक्चर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों क्या होती है एक जग लाइक स्ट्रक्चर होगी इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव्स एंड द अपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म ए लीड विद कैन बी ओपन एंड क्लोज ऑफ द माउथ तो वो क्या कर लेते हैं इजली लीड के माध्यम से अपने माउथ को क्लोज एंड क्या कर लेते हैं भाई ओपन कर लेते हैं ये लीड्स है तो उससे इंसेक्ट को ले लेते हैं तो सिंपल हो गया आपको पता लग गया किसके बारे में बच्चों पीचर प्लांट के बारे में अब जो पीचर प्लांट बेसिकली किसके अंदर आते हैं भाई ये इंसेक्टिव प्लांट कहते हैं कि द पीचर इनसाइड द पीचर कि देयर आर हेयर विच इज ए इंटेंगल्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट ये किसको ट्रैप करते हैं बच्चों जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको इन अपनी तरफ ट्रैप कर लेते हैं द लीड क्लोज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप और इस, उसके इसमें क्या हो जाता है जब लीड क्लोज हो जाती है तो इंसेक्ट को ये ट्रैप कर लेते हैं द इंसेक्ट इज ए किल्ड बाय द जूस सीक्रेटेड बाय द पीचर प्लांट और जो इंसेक्ट होगा वो किल हो जाएगा किसके माध्यम से जो ये जूस को सीक्रेट करते हैं इट्स ए न्यूट्रेंट आर एब्जॉर्ब सच इनसेक्टिंग द प्लांट इस कॉलेज है उनको क्या बोलोगे बच्चों आप इंसेक्टिवियस प्लांट उसको क्या वो हो गए प्लांट तो क्लियर हो गया किसका एग्जाम्पल दिया हमने पीचर प्लांट का इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दॉयल विच इज दे ग्रो तो इसलिए वो बेसिकली क्या है ग्रो करेंगे अब आपको एग्जाम्पल देखिए भाई पीचर प्लांट का बहुत अच्छा डायग्राम दिखा रखा है और समझाने के लिए तो बड़ा आनंदित है ये अब इस केस में ये पीचर प्लांट है अब पीचर प्लांट के अंदर जो पीचर है इसके जो लीव्स हैं मॉडिफाइड हैं किसके माध्यम से बच्चों वो पीचर के माध्यम से अब इसके ऊपर क्या लगी हुई है लेड्स लगी हुई है कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये ओपन होगी और उसके बाद ये क्लोज कर लेंगे और इसके अंदर जो जूस होता है उसको सीक्रेटेड होता है इसके अंदर एक जूस होता है अब उसके माध्यम से उसको किल करेंगे कर और किल करने से क्या होगा अपने न्यूट्रिएंट्स अपने जो भी फूड होगा उसको इंसेक्ट के माध्यम से बना सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं कि यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ ए मशरूम सोल्ड इन देजिटेबल अब देखो भई आपने मशरूम ऑलरेडी खाई देखिये बच्चों अब जैसे आपने मशरूम के बारे में पढ़ा अभी कि यू हैव ऑल्सो सीन ए फ्लपी एम्ब्रेला लाइक पैचे ग्रो इन द मोस्ट सॉयल एंड रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग इन द रेजी सीजन अब देखो क्या होती है मशरूम क्या होती है बच्चों ये बता दिया अम्ब्रेला लाइक पैचिज होती है ग्रोइंग करती है कि इसके अंदर मिट्टी के अंदर और रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन अब ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं मशरूम बोलते हैं अब ये मशरूम है बेसिकली ये कैसे ग्रो होती है कि लेट एस फाइंड आउट कि द टाइप ऑफ ए न्यूट्रेंट्स दे नीड टू सरवाइव एंड फ्रॉम वेअर दे गेट दैम तो ये देखो कैसे ये सर्वाइव करती है और कैसे ही इसको बनाया जाता है और कैसे ये बनती है रियलिटी में अब इस केस में देखो इस केस के हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है ऑलरेडी एक्टिविटी वन पॉइंट टू की टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इट विद इन वाटर कि आपने एक ब्रेड का पीस लिया उसको थोड़ा सा क्या किया बच्चों मोस्ट कर लिया मोस्ट का मतलब क्या है पानी में डिबो लिया या वट एवर कुछ भी अब लीव लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेसेज फोर टू थ्री डेज और उसको आपने रख दिया दो तीन दिन के लिए और अनटिल ए फ्लपी पैचिज अपियर ऑन दैम कि वट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज तो आपने क्या जो करना है कि भाई उसके जो पैचेज उसके अंदर आए तो वो किस कलर के हैं ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाई ग्लास राय डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक यू कैन सी ए कॉटन लाइक थ्रेड सेपरेट ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड तो उसके ऊपर क्या आ जाती है बच्चों एक कॉटन की पर्ती आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड इज ए फंगी अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ ये जो फंगी है बेसिकली ये ग्रो हो गई किसके ऊपर ब्रेड के ऊपर ठीक है ना उसको फंगी बोलेंगे कि दिज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज ए फंगी देव ए डिफरेंट मोड ऑफ़ न्यूट्रीशन इसके अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रीशन होते हैं दे एबजॉर्ब द न्यूट्रेंट्स फ्रॉम दी ब्रेड And this made of nutrients in which organism take in the nutrients from the dead and decaying matters. अब देखो भाई इसके अंदर the जो mode of nutrition है basically ठीक है ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के वो टेक in nutrients from कहाँ से लेते हैं वो डेड एंड decaying मैटर्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स दिस इज कॉल्ड इज ए सैप्रोट्रॉप्स अब saprotrophs न्यूट्रिशन होते हैं उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या कह दोगे आप कि सच organism विच एज सेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रीशन इज कॉल्ड इज ए सैप्रो ट्रॉप्स उसको क्या बोलोगे बच्चों सेप्रो ट्रॉप्स की फंगी आल्सो ग्रो ऑन ए पिक्कल्स कहाँ पर ग्रो होती है पिक्कल्स के ऊपर लेदर्स के ऊपर क्लॉथ्स के ऊपर एंड अदर आर्टिकल आर लेफ्ट इन दी हॉट एंड होमिट वैदर फॉर ए लॉन्ग टाइम यदि किसी भी आर्टिकल्स को आप ड्रॉप कर देते हो जिसके अंदर मोस्ट है लॉन्ग टाइम के लिए तो वहां पर ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन देश पोइल मैनी थिंग्स अब रेनी सीजन के अंदर क्या होता है बच्चों <coughs> क्या होता है इस केस में कि ये स्पॉयल करती है किसको मैनी थिंग्स को आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेस ऑफ ए फंगी ऑन योर हाउस अब अपने घर पे भी आप देख सकते हो ब्रेड्स के ऊपर हो जाती है ठीक है ना तो या अपने फूड है उसके ऊपर भी हो जाती है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए कि द फंगल स्पोर इज जनरली प्रजेंट इन द एयर तो ये बेसिकली कहाँ प्रजेंट करती है एयर के अंदर कि वैन दे लैंड ऑन जैसे ही ये उसके ऊपर लंबे समय के लिए रखोगे तो वो लैंड ऑन हो जाएगी अब एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर कि बेसिकली इसमें बताया भी गया है एक एग्जाम्पल के रूप में कि जो फंगी है इज कॉज ऑफ ए डिसीज इन प्लांट्स के अंदर होती है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड सम फंगी आर यूज फॉर मेडिसन कुछ फंगी को यूज भी किया जाता है किसके रूप में मेडिसन के रूप में, में. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये अब देखो बच्चों की वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो तो ये कैसे ग्रो होती है भाई जहाँ पर वेट होगी या फिर ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाएगी और ग्रो करेगी कि कैन यू सीन इन द फिगर आउट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट ऑन थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉल तो कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर कुछ ऑर्गेनिजम्स आपस में ग्रो करेंगे रहेंगे एक जगह पर ठीक है एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड न्यूट्रेंट्स दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज ए सिम्बोसिस उसको क्या बोलोगे बच्चों सिम्बोसिस तो ये डेफिनेशन किसकी होगी हमारी सिम्बोसिस की कि वो ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड न्यूट्रेंट्स एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज ए सिम्बोसिस फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन साइड इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कुछ फंगीज कहाँ रहती है रूट्स के अंदर ठीक है किसी भी प्लांट्स की एंड द प्लांट प्रोवाइड जो प्लांट है बच्चों वो क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रेंट्स ऑफ द फंगस के लिए एंड रिटर्न इन द फंगस प्रोवाइड ए वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रेंट्स क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी उसके बाद देखो भाई इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज ए लाइकन अब लाइकन भी कहते हैं इसको लिचिन भी कहते हैं ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ ए एल्गा एंड द फंगज लीव्स टूगैदर अब इस केस में क्या है देखो बच्चों ली जो एक लाइकन है लाइकन एक ऑर्गेनिज्म है बेसिकली कि इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इज ए लाइकन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ए पार्टनर इसका भी जो क्लोरोफिल है ये क्या है कंटेनिंग पार्टनर है कि विच इज एल्गा एल्गा क्या होती है बच्चों आपकी जो काई कह देते हैं एंड फंगस लीव टुगेदर इस केस में क्या होगी एल्गी भी होगी फंगस भी होगी एंड द फंगस प्रोवाइड फंगस क्या प्रोवाइड करती है सेल्टर रहने के लिए वाटर मिनरल्स टू द एल्गा एंड रिटर्न एल्गा प्रपेयर देयर प्रोवाइड द फूड ऑफ द फंगस और वो उसको क्या करेगी प्रोवाइड भी करेगी किसको फूड किसको बच्चों फंगस को अब उस केस में देखो भाई हाउ जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हाउ न्यूट्रेंट्स आर ये रिप्लेनिस्ड इन दिस सोइल अब जो हमारी मिट्टी होती है बेसिकली बच्चों इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रेंट्स होते हैं अब उन न्यूट्रेंट्स को कैसे रिप्लेनिस कैसे वापस लेके आया जा सकता है क्या रीज़न है इसका अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले फार्मर का लेके चलेंगे कि हैव यू सीन ए फार्मर स्प्रेडलिंग द मेन्योर मेन्योर का मतलब जो खाद होते हैं बेसिकली बच्चों ये ऑर्गेनिक होता है ये इनऑर्गेनिक होता है इन दी फील्ड और अब इस केस में क्या होगा ओवर इन दार्डनर यूज इन दैन मॉफ ए लोन एंड ए पोर्ट्स डी यू नो वाई दिस इज डन क्यों वो क्या यूज क्यों करते हैं क्या रीज़न है इसका कि यू हैव टू लर्न दैट द प्लांट एब्जॉर्ब ए मिनरल्स जो प्लांट है बेसिकली वो क्या ऑब्जो है करते हैं बच्चों मिनरल्स को न्यूट्रेंट्स को फ्रॉम दि शॉयल एंड सच अमाउंट ऑफ ए शॉयल कीप ऑन डिक्लाइनिंग एंड द फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन ये न्यूट्रेंट्स तो ये क्या करेंगे बच्चों कंटेन करेंगे किसको न्यूट्रेंट्स को सच एज बेसिकली क्या होगा इसके अंदर नाइट्रोजन पोटासियम फोस्फोर्स एक्सेट्रा ठीक है ना ये सब केमिकल नेम है जो प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं कि दीज न्यूट्रेंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम दी टाइम टू टाइम टू इन रिच दी सॉयल अब ये एडिड किए जाते हैं बच्चों टाइम टू टाइम ताकि प्लांट क्या कर सकें ग्रो कर सकें कि वी कैन ग्रो दी प्लान्ट कीप दैम हेल्थी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दी प्लान्स अब यूजअली क्रॉप जो बेसिकली हमारी जो फसलें होती हैं बच्चों ठीक है कि यूजअली क्रॉप प्लाट्स एब्जर्व ए लोड ऑफ़ नाइट्रोजन उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं एंड द सॉयल बी केम ए डेफिशेंट इन नाइट्रोजन जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की कम होती है कि यू हैव टू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन ए पेलेंटी इन द एयर अब जो मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन गैस हमारी एटमोसफेयर में सेवेंटी एट परसेंट प्रजेंट करती है कि प्लांट कैन नॉट यूज़ दिस मैनर जो प्लांट है बेसिकली वो उसको यूज़ नहीं करते बस किसको यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को दिस दे नीड द नाइट्रोजन इज ए सोलेबल फॉर्म बट उसको क्या चाहिए नाइट्रोजन सोलेबल फॉर्म में चाहिए ताकि वो पानी के साथ मिल सके हैंस द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर इन रिच इन दिस ऑयल द बैक्टीरियम कार्ड इज ए राइजोबियम तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे बच्चों बेसिकली राइजोबियम अब राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट करता है लिगुमेस प्लांट के अंदर तो इसको मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देखिए कि बैक्टीरियम कॉल्ड इज ए राइजोबियम कैन टेक ए एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन वो क्या करते हैं बच्चों एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर वही कि यूजेबल फॉर्म्स बट राइजोबियम कैन नॉट मेक दे रोन फूड बट जो राइजोबियम है ये अपना फूड अपने आप नहीं बनाते सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट ऑफ ए ग्राम तो ये कहाँ पर छोड़ देती हैं उसको कहाँ पर रूट्स जो होती हैं बेसिकली ग्राम्स की पीस की मूंग की बीन्स की एंड अदर ल्यूमनेस ये सारे बच्चों के हैं दालों वाले पौधे हैं एंड प्रोवाइड दैम इ विद ए नाइट्रोजन और उसको प्रोवाइड करते हैं किसको नाइट्रोजन को इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड ए फूड सेल्टर टू द बैक्टीरिया दस दे हैव ए सम्बोर्टिक रिलेशनशिप तो इनका आपस में क्या है बच्चों रिलेशनशिप है भाई ठीक है ना आपस में मिलजुल कर रहना अब दिस एसोसिएशन ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर अब दे कैन रेड्यूज यूज ऑफ ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर द ल्युबनेस जो ल्युनेस प्लांट होते हैं जो, जो दालों वाले होते हैं बच्चों उनके अंदर नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो देखिये इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पल्सिस लाइक इसे जो भी दाल्स होती हैं आर ऑप्टेंड फ्रॉम ए लेग्युनस प्लांट तो ये कहाँ से ऑप्टेंड होती है बच्चों लेगुनस प्लांट के माध्यम से इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ए आटोट्रॉप्स सभी प्लांट क्या होते हैं बच्चों इस टाइप के आटोट्रॉप्स होते हैं ओनली फ्यू प्लांट आर ए पैरासाइट कुछ ही प्लांट पैरासाइट्स होते हैं कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं कि दिसज ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गैनिज्म द एनिमल्स आर कैटराइज एज ए हेट्रोट्रॉप सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लाट्स तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बच्चों प्लान्स के ऊपर एंड अदर एनिमल्स फॉर ए फूड्स एंड कैन वी से दैट द इनसेक्टिवियस प्लांट आर ए पार्सली हैट्रोट्रॉप्स वो क्या होंगे बच्चों हेट्रोट्रॉप्स होंगे तो आप सभी के लिए बच्चों ये की वर्ड्स हैं बेसिकली इन सबको आपने करना है ऑलरेडी मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ सबकी वन बाय वन उसके बाद चैप्टर की समरीबी मस्ट रीड इट तो आपने चैप्टर की समरी भी रीड जरूर करनी होती है जो आपको येलो कॉलम्स में दी होती है क्योंकि आपको पता लगे कि समरी में क्या क्या है और हमने क्या क्या चैप्टर्स को किया है एंड आफ्टर दैट उसके बाद यू विल बी ट्राई इन द एक्सरसाइज तो आपने ट्राई करना है एक्सरसाइज बच्चों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट कि वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक ए फूड जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों फूड को टेक करते हैं भाई क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए फूड चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए अपनी लिविंग थिंग्स के लिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप्स अब यहाँ पर दोनों के डेफिनेशन लिख दीजिए पैरासाइट की वो पीछे बताई थी और सेप्रोट्रॉप्स की उसके बाद हाउ यू टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार च इन जो आयोडीन टेस्ट है आपने अभी किया था वो वाला टेस्ट हो गया यहाँ पर गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोसेस सेंथिसाइज इन द फूड ऑफ ए ग्रीन प्लांट तो पूरा फोटोसेंथिसिस प्रो, प्रोसेस आपने करना है लीवस का डायग्राम बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है सनलाइट सारा कुछ शो करना है बच्चों और उसकी जो रिएक्शन है केमिकल वो भी राउन करनी है उसके बाद ये सी इमेजिटीज़ वही क्वेश्चन है भाई कि हेल्प द स्केच ऑफ ए प्लांट अल्टीमेटे सोर्स ऑफ फूड अब उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप सभी ने करने हैं कि ग्रीन प्लांट आर कार्ड ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं ठीक है ऑटोट्रोप्स कहते हैं आप सभी को पता है कि द फोर एंथेसाइज एफ फ्लू स्टोर कहाँ स्टोर करते हैं वो बेसिकली तो ये सारे क्वेश्चन आपने यू विल बी ट्राई तो आपने ट्राई करना है और जो क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सेकेंडली जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को बच्चों लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय